एक छोटी सी मटकी ले और आपको पैसे ही पैसा पैसे ही पैसा। इसी वर्ड के वजह से मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे। कल मैं बीमार था और इसी वर्ड को चैंट करके मैं यहाँ बैठा। श्री राधे। मेरे बॉस ने मेरी जान खा रखी थी, यूं लग रही थी यूं हो गई यूं। जो कहते ना कि मनी आती ही नहीं है। कौन वाला ऐसा है मनी के लिए? तो लव रिलेशन काफी सारे की वजह से डिप्रेशन भी आ जाता है बंदे की लाइफ। वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो कहे की वो अकेला ना बैठे लड़कियों से गिर जाए। गुप्तांगों को दही से धोइए। लो भाई कर लो मेरा भी हो। माता पिता ही भगवान है। करना ही श्रीम 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 श्रीम। वजह से हेल्थ डाउन हो जाती है कि बच्चा बिगड़ना है। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही तो उसके लिए कोई रेमेडी। शुक्र बड़ा एक्टिव हो जाता है तो पढ़ाई में भी मन रहेगा। आप थोड़े दिन दही से नहीं, आपका मूड अच्छा रहने लग जाए ना। एक स्विचवर्ड भी चैन कर सकते हैं अश्विना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्रेश एंड अमेजिंग न्यू इंटरव्यू पॉडकास्ट। आप जैसे कि मैं आप लोगों को रेगुलरली ऑफिसर से मिलवाता रहता हूँ, एक रेगुलर मोटिवेशन बना रहता है। आज मैं आया हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग कपल। एंड आपने कौन वाला एक्सा तो सुना ही होगा ना यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे। तो मैं आ चुका हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग कपल के पास, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और भी काफी चीजों में स्पेशलिस्ट हैं, ताकि आप लोगों को एक राइट गाइडेंस, एक राइट पाथ मिल सके अपने करियर के अंदर। और बहुत सारी आज हम बातें करेंगे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, अपने करियर में आगे कैसे बढ़े। तो स्वागत है सर आपका, मैं आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। सो धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आप दोनों से मैं अलग अलग करूंगा और बीच में आप ये नहीं बोलेंगे कि संजीव जी ये मत बताइए। सो सर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहला, कि आप जैसी पर्सनालिटी कैसी पाया जाए, हम लड़के कैसे स्मार्ट बने, आप जैसे ये स्पाइक्स, ये चार्मिंग पर्सनालिटी, ये इतनी अच्छी हंसी कैसे आए अट्रैक्टिव? प्रभु पहले तो अवश्य ही और अवश्य ही मन साफ तन साफ हर चीज अच्छी रखिए जीवन में। ईमानदारी से काम कीजिए, परफेक्शन देने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज को आपके मन से आत्मा से चाहते हैं वो चीज आपको मिलती जरूर आएगी। हाँ जी, ये मेरी गारंटी है। ओके ओके। अगर आप आधे मन से कुछ भी करेंगे जीवन में वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सच्चाई है। सच्चाई आपको डेडिकेशन होनी चाहिए आप कुछ भी करें जीवन में। अगर हाफ माइंड और हाफ हार्टेडली अगर आप कुछ करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कभी। तो ये आपके जो चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं रेगुलर पार्क जाता हूँ, रेगुलर जिम जाता हूँ और साक्षी जी को भी उठाता हूँ, साथ लेके जाता हूँ। तो ये डेडिकेशन है आपको अपनी फिजिक पे। और जब भी आप पार्क जाओगे आपका मेंटल लेवल ठीक रहेगा। ठीक है, आपका मेंटल लेवल ठीक रहेगा, आपका फिजिकल लेवल ठीक रहेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। यूथ को तो मैं कहना चाहूंगा अपनी फिजिकल फिटनेस पे जरूर ध्यान दें। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो पार्क में सुबह उठ के राउंड जरूर मारें। मैं कहता हूँ कोई चीज आपको रोक नहीं सकती उसके बाद। सो आप सबको पता चल गया होगा सर की चार्मिंग पर्सनालिटी का राज। अब मैम आपसे जानना चाहेंगे लड़कियों के लिए, क्या है आपकी इतनी अच्छी स्माइल और इतनी ब्यूटीफुल है आप, तो क्या है राज इस चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे? देखिये मैं तो जो है बोलना चाहूंगी कि देखिये जब आप अगर आप मन से अच्छे होंगे तो आप तन से भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, और जब आप अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिव रखते है ना तो आपके फेस पे अपने आप ही अच्छी स्माइल भी आएगी और आपके ग्रह भी आपकी ऑरा भी वो अपने आप स्ट्रांग होती रहेगी। तो अपने प्लैनेट्स को जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिवेट रखते हैं और अपने प्लैनेट्स को जो है बहुत अच्छा और लोगों की सेवा करके जो हमें दुआएं लोगों की मिलती हैं तो उससे भी जो है अपने आप ही एक ब्लेसिंग्स लोगों की मिलती है। तो अपने आप ही जो है कह सकते हो कि फेस पे चार्मिंग भी आ जाती है और सब कुछ हो जाता है। राइट राइट। सो जैसे कि आप दोनों वर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा आप आगे आए हैं, ठीक है, आप एक नई चीज यूथ के लिए लोगों के स्विचवर्ड्स, ओके, सो ये चीज के लिए आप आगे आए हैं, आप अन्य लोगों को बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं। सो मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये वर्ड्स ही सिर्फ कारीगर है या इनमें हमारे कर्मों का भी रोल आता है कहीं ना कहीं? क्या हम कर्म ना करें ये वर्ड्स बोले तब चल जाएगा या दोनों चीज? देखिए अब जैसे कॉन्वलेक्सा, अब कॉन्वलेक्सा किस चीज के लिए? कॉन्वलेक्सा है मनी के लिए। अगर आप कॉन्वलेक्सा डेली अगर बोलेंगे तो जरूर और जरूर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर पैसे की कमी है बोलिए कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, मैं कहता हूँ पैसा आएगा ही आएगा। okay. और ये हमें लोगों ने अपॉइंटमेंट लेते हुए मैसेजेस में
हर तरीके से हमें कंफर्म किया है कि इससे फर्क पड़ता ही पड़ता है, ये स्विच वर्ड्स है, इनको बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। अब ये तो कॉन्वेलेंस हो गया मनी के लिए, आप देख ही रहे हैं कितने सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं कॉन्वेलेक्स वो भी कर रहे हैं, पहले कॉन्वेलेक्स कहाँ था, उस पे पॉडकास्ट बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। मतलब अगर ये फर्क नहीं पड़ रहा होता तो ये कॉन्वेलेक्स क्यों चल रहा होता और ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी क्यों कॉन्वेलेक्स की वीडियोस बना रहे हो, तो फर्क पड़ रहा है जरूर, है ना जी। और ये तो हमें लोगों ने कन्फर्म किया है बहुत ज्यादा। और प्रोसो प्यारे अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, काम नहीं है, आप खाली बैठे, आप बोलिए प्रोसो प्यारे, आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हमें इतने लोगों ने बताया है कि गुरुजी हम होटल में खाली बैठे होते थे, गुरुजी हम शॉप में खाली बैठे होते थे, गुरुजी हम मतलब बिल्कुल मक्खियां मार रहे होते थे, हमने प्रोसो प्यारे बोला और उसके बाद इतने क्लाइंट्स आए, इतने ग्राहक आए, हमसे संभाले नहीं समझे, मुझे अपॉइंटमेंट्स में बोला है लोगों ने ये बात, देखिए प्रोसो प्यारे में कितनी ताकत है। और साथ साथ में अपने प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करो, क्योंकि ये तो आपको बोलना है, और साथ साथ में अपने ग्रहों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो उससे भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो आप दो दो काम इकट्ठे कर रहे हैं, साथ साथ में जानवरों की सेवा कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, जितने बेजुबान जानवर है अगर आप उनको फीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं तो, और साथ साथ में ये सब चीजें करते हैं तो आपके जीवन में बहुत जबरदस्त जो है चेंज आता है। आप सुबह उठिए, आप पार्क में जाइए, आप अपने साथ में थोड़े से फीके वाले बिस्कुट, हाँ मैं बिल्कुल आपके माध्यम से मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं बोलना चाहूंगा, मीठे वाले बिस्कुट बिल्कुल ना डॉग्स को खिलाएं, उन्हें खुजली हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, उससे बड़ी दर्दनाक मौत होती है उनकी। तो फीके वाले बिस्कुट बिल्कुल ना खिलाएं कोई भी, आप लोगों को भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप मैरी गोल्ड के या जो फीके वाले जो शुगर फ्री बिस्कुट होते हैं, जो शुगर पेशेंट भी खाते हैं, वो वाले बिस्कुट पार्क में ले जाइए, वो आप डॉगीज को डाल दीजिए, आप थोड़ी सी हरी मूंग की दाल ले जाइए, आप वो पक्षियों को डाल दीजिए, और पीले रंग का गाठिया आता है, पीले रंग का गाठिया होता है बड़ा पतले पतले वाला, वो जाके पक्षियों को डालिए, वहां चील खाएंगी, कौवे खाएंगे, कबूतर खाएंगे, कितना आनंद आएगा। और रात की बची हुई एक रोटी ले जाइए, गिलहरियों को डाल दीजिए, गिलहरी खा जाएगी। आप देखिए बैठे बिठाए आपको मैं इतने सारे उपाय बता रहा हूं, और आप करना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार होगा। कौवा क्या है, शनि, आप शनि को सुबह सुबह प्रसन्न कर रहे हैं, पितरों को भी माना गया कि पितर आते हैं हमारे कौवे के रूप, है ना। और आप कबूतरों को खिलाएंगे आपका बुध ठीक, चीलों को खिलाएंगे आपका बृहस्पति ठीक, गिलहरियों को खिलाएंगे आपका मंगल ठीक, मंगल बध ठीक, बताइए, कुत्तों को खिलाएंगे केतु ठीक, कितने ग्रह ठीक हो गए आपके सुबह सुबह, ऑलमोस्ट काफी सारे आपने खुद ही बोल दिया, आप सोचिए। और उसके बाद हम बकरियों को चने भी डालते हैं भिगो के, बुध और शनि दोनों अच्छे, आप देखिए छोटी छोटी कन्याओं को हम नमकीन दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नमकीन दे देते हैं, बुध केतु नमकीन शनि, देखिए मैं कहता हूं आप करिए, आप ये छोटे 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 काम करना शुरू कीजिए सुबह से लेके, अगर आप कर ले छोटा छोटा काम, और थोड़ा सा इतना सा कागज में आटा और चीनी बूरी बूरा चीनी जो होती है वो पार्क में ले जाइए, आप डाल दीजिए चीटियों को, लंगर लग गया, रोज सुबह आप लंगर करके आएंगे पार्क में, और कितनों को खिलाएंगे, इंसानों का लंगर लगाना महंगा पड़ता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये छोटी छोटी चीजें कीजिए, कितने लग जाएंगे सुबह सुबह, 20-30 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके, है ना। एकदम सही बात बताई, ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हम अपने दिन की शुरुआत कितनी अच्छी कर सकते हैं, देख सकते हो आप क्या छोटी छोटी चीजें हैं, रेमेडीज हैं, कुछ अलग चीज नहीं बताई, कोई महंगी चीज नहीं, सब चीजें हमारे घर में ही डब्बों में पड़ी रहती हैं सब चीजें, और शायद हम रात की बची रोटी ऐसी कोई फेंक भी देता है बर्बाद हो जाती है। तो जैसे कि इन्होंने बताया संजीव जी ने कि आप उनको गिलहरियों को डाल दीजिए, किसी का पेट तो भरेगा ही भरेगा, सो ये कितनी अच्छी चीज बताई। सो सर जैसे कि आपने कुछ दिन शुरुआत की चीजें
बताई। अब जैसे कि काफी सारा यूथ आपको देख रहा है, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसमें बोला जाता है कि अगर यूपीएससी क्रैक करना है या इन सब में, तो आपका सूर्य बड़ा बलवान होना चाहिए, है ना। तो मतलब क्या क्या करें जो इस चीज की तैयारी करें। मैं इतनी जबरदस्त चीजें आज आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य कौन है हमारे परिवार में? पिताजी। जय श्री राधे, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आर्क। बिल्कुल सत वचन आपने बोले। सूर्य हमारे पिता हैं। गवर्नमेंट जॉब किससे मिलती है? सूर्य से, है ना, मान गए। सूर्य मंगल बृहस्पति जिसका बलवान होता है उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है मेरे मालिक, है ना। अब एक उपाय बताऊंगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपने मात्र क्या करना है, एक दूध का गिलास लेना है रोज। ये नहीं कि आप सोचे एक दिन में चमत्कार हो जाएगा। रोज आपने एक दूध का गिलास लेना है, उसमें आपने हल्दी या केसर डालना है और उसमें आपने डालना है मीठा। अब क्या हुआ, मीठा क्या हुआ, मंगल, हल्दी या केसर बृहस्पति, और दूध क्या हुआ, चंद्रमा, और पिता कौन हुए, सूर्य। आपने सारे ग्रह अपने ठीक कर लिए और घर बैठे बैठे। तो पिताजी को पिलाना है ये दूध रोज? जी 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 साक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब कई लोगों के सवाल आएंगे कि पिताजी ना हो, अगर पिताजी हाँ। नहीं है कईयों के, तो फिर वो क्या करे, वो किसी ब्राह्मण को पिला दे, क्योंकि ब्राह्मण भी आपका जो है वो बृहस्पति का कारक है। तो ये आप कर सकते हैं, या फिर अपनी माता को पिलाएं। और किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, अगर नौकरी के लिए बेचारा इंटरव्यू दे दे के परेशान हो गया है, पेपर दे दे के परेशान हो गया है, क्लियर नहीं हो रही है गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू या किसी चीज का भी इंटरव्यू, अब ये नहीं है जॉब का ही, प्राइवेट जॉब का भी और भी कई इंटरव्यूज होते हैं, तो आप अवश्य ही और अवश्य ही क्या बोलना है आपने, फल संपद, फल संपद, फल संपद, फल संपद, ये वर्ड आप डेली क्रैम कीजिए, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। तो संजीव जी, 108 बार जो है ना, ये जो है बोलेंगे एक बार दिन में, क्योंकि बार बार दर्शकों के मैसेज आते हैं कि कितनी बार बोलना है, कितनी बार बोलना है। जितने भी हम इटालियन छोक फोक शायर्स बताते हैं, वो आपको 51 टाइम्स बोलने होते हैं, और जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, उनको आपने बोलना है 108 बार। अब आपने देखा होगा मार्केट में कितने सारे जो है आ गए हैं, तो पहले तो ये कोई भी नहीं बोल रहा था, तो अब हमने बताया है, तो बाकी सारे कितने सारे लोग आ गए हैं, तो अच्छी बात है, लोगों का जितना भला होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो इस बात पे तो, मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग तैयारी करते हो कि एक दिन की पढ़ाई से आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, आप लोग महीनों की पढ़ाई करते हो, कुछ लोग सालों की पढ़ाई करते हैं, तब जाके पेपर इंटरव्यू आप क्लियर करते हो, सेम लाइक दैट ये रेमेडीज भी आपके जीवन में, अगर आप इनको डेली कंसिस्टेंट रहोगे इन पर, तभी आपको इनके रिजल्ट भी मिलेंगे। और साथ साथ में आपकी पत्रिका में भी जो है योग होना चाहिए, कि आपकी पत्रिका में सूर्य कितना पॉजिटिव है, मंगल कितना पॉजिटिव है और बृहस्पति कितना पॉजिटिव है। अगर आपका मंगल पॉजिटिव होगा तो ही आप प्रशासनिक सेवाओं में जाओगे, अगर सूर्य अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर आप, क्योंकि दो प्रकार की हमारी कुंडली होती है, एक शनि प्रधान कुंडली होती है और एक सूर्य प्रधान कुंडली होती है, अगर सूर्य प्रधान कुंडली है तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। शनि प्रधान कुंडली वालों को क्या करना है कि उनको जो है वो उनको मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जैसे होती हैं हमारे, उस तरफ जाना है आपको, दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये चीज हो गई। आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीएस की तैयारी करवा रहे हैं, खुद आईपीएस नहीं बन पाए, वो ऐसे ऐसे बच्चे उनके पास आके, उनके जो बच्चे उन्होंने तैयारी करवाई और वो आईपीएस बन गए, है ना। तो ये आपकी पत्रिका डिसाइड करती है कि किंग मेकर कौन है और किंग मेकर कौन है और किंग किसको बनना है। तो आपकी कुंडली में किंग मेकर का योग है, अब संजीव जी की कुंडली में किंग मेकर का योग है कि ये किसी की भी पत्रिका देखकर उसको किंग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो किंग ऐसे वाली पत्रिकाएं होती है कि किंग मेकर कौन होता है और किंग किसको बना सकता है, तो ये चीज हो जाती है। ओके ओके। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपका अगर आप इंटरव्यू देते हैं क्लियर नहीं हो रहा, इसके लिए भी हमारे पास स्विच वर्ड्स हैं। अगर आपको इंटरव्यू में अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, ये बोलिए आप, और आप किसी भी इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
करके देखिए चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे। ओ भाई आप लोगों को कितना अच्छा वर्ड मिल गया, मतलब क्या कितना अच्छा ये फ्रेज बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे तो कितना अच्छा ये मिल गया कि आप इसको कर सकते हैं। एंड मैं आपसे संजीव जी ये पूछना चाहूंगा, लाइक इंटरव्यू के लिए अगर बच्चा जा रहा है कोई भी, है ना, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, तो जाते हुए घर से निकलते हुए उसको क्या क्या कर सकता है वो, या उधर पहुंचा है तो उधर क्या कर सकता है वो, या ऐसा? ये तो मैं वर्ड से आपको बता रहा हूँ, बोले बस पहले से बोल के जाए। और हमारे तो सनातन धर्म में मेरे मालिक मेरे प्रभु दही और चीनी का इतना अच्छा प्रावधान है, अगर दही नहीं मिल पाता है तो हमेशा चीनी डाल के और पानी पी के घर से निकलिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, सूर्य को बहुत बलि करता है ये उपाय। चीनी खाइए, पानी पीजिए, फिर घर से निकलिए। मैं कहता हूं आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे मालिक। कई हमें भी मैसेज आ रहे थे कि कुछ आप बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए जॉब के लिए कोई नहीं बता रहे, तो स्पेशली हमने आज इतने अच्छे अच्छे जो हम दे रहे हैं आज रेमेडीज दे रहे हैं वो स्पेशली हम बच्चों के लिए, यूथ के लिए सारी। और जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, अब कई बच्चे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वहां पर जाकर भूल जाते हैं कि आप पढ़ने के लिए गए और आप पेपर देने के लिए बैठे वहां पर आप भूल गए। तो आपने क्या करना है कि 5 हरी इलायची लेनी है, हरी इलायची लेनी है 5, और हरे रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसमें वो इलायचियों को आपने सिल लेना है, और उसके बाद वो इलायचियों को अपने पॉकेट में डालकर आपको इंटरव्यू में चले जाना है। तो वो इलायची आपके पास पड़ी रहेंगी। और अगर आप क्या कहते हैं कि साथ में इलायचियों के साथ में आप ये जो संजीव जी ने बताया है कि रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, आप उसको अपने हाथ में रखिए, बोलिए, आपकी इलायचियां जो है वो आपकी एनर्जाइज हो जाएंगी। उसके बाद वो इलायचियों को अपने पॉकेट में रख लीजिए और आने के बाद जो है उसे अपने मंदिर में रख दीजिए या किसी अपने पौधे में रख दीजिए। तो ये आप करिए, उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त आपको इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज मैं आपको इतना जबरदस्त रेमेडीज बता के जाऊंगा कि पेरेंट्स कहेंगे थैंक यू सो मच, आपको मैसेजेस आएंगे इस चीज के, ये मेरी गारंटी। बचपन से ही हमने बच्चे को ठीक करना है, बाद में तो बहुत मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आप पौधे को खाद और प्रोटीन डालेंगे उसका फल वैसे ही निकलेगा, बाद में ये तो नहीं है पौधा बड़ा हो गया फिर आपने खाद अच्छी डालनी शुरू करी और वो कैल्शियम वगैरह डालना शुरू किया तो उसका कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं, उसने फिर उतने ही फल देने हैं। वो मीठा खट्टा उसमें फर्क डाल सकते हैं आप, साइज में नहीं फर्क डाल सकते। अगर आपने बचपन से ही अगर बच्चे को कंट्रोल कर लिया, मैं कहता हूँ आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ही नहीं होगी। क्या करना है उसके लिए, पहले तो बच्चे को हमेशा ही दूध और हल्दी डाल के नहलाइए बचपन से। पहले क्या करना है, बकेट लेनी है आपने, उसमें दूध डालना है, फिर हल्दी डालनी है, फिर नहलाना। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। कोई डिप्रेशन में है, काम काज नहीं चल रहा है, परेशानी चल रही है, गुस्सा जल्दी आता है, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, आप चंद्रमा और बृहस्पति की सहायता लीजिए। दूध क्या है, चंद्रमा, हल्दी क्या है, बृहस्पति। आपने पहले बाल्टी में हल्दी और दूध डाला और उसके बाद पानी डाल के नहाइए आप, मैं कहता हूं ओहो चमत्कार को नमस्कार है। एक हफ्ते में आपका बच्चा शांत, अगर किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है या गुस्से में रहता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वो ना देखिए आप, उसके बाद चमत्कार को नमस्कार। छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके ज्यादा, आप घर में ही कर सकते हैं। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आजकल बच्चे क्या करते हैं माँ बाप को जैसे छाती चौड़ी करके आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा माँ को तो जोर दिखाई देते हैं आजकल। अब भाई बच्चों बच्चे बड़े हो रहे हैं, ताकत आ रही है, भाई क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, चलो उनकी भी गलती नहीं, थोड़ी पेरेंट्स की भी गलती है, वो बचपन से ही नहीं बच्चों को कंट्रोल करते हैं। अब क्या करें भाई, अब जब बिगड़ गया बच्चा, आप मात्र आपने क्या करना है, आपने फ्रिज पे उसकी फोटो चिपका देनी है, उसका नाम लिख के, उसे पता भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते में बच्चा ठंडा, गुस्सा गायब, बात आपकी मानना शुरू कर देगा। ये फोटो वाला
फ्रिज पे चिपकाने वाला, इतने लोगों ने हमें मैसेज करके बताया है, गुरुजी मजा आ गया, मेरा बच्चा चुप हो गया। बच्चे को पता भी नहीं चला। अब बच्चे का कहते मैं नहीं कर रहा उपाय, मैं नहीं करूंगा ये। अरे फ्रिज पे फोटो चिपका दो, अपने आप सुधर जाएगा, चुप हो जाएगा। फ्रिज का क्या काम है? कूल करना। बच्चा कूल हो कूल, गर्मी कूल, गर्मी कूल। और फ्रिज के अंदर ही चुकाना है, उसे बाहर ही चुकाना है। कल कई लोग सोचते हैं ज्यादा ठंडा नहीं करना बच्चे को, कहीं ठंडा ही हो जाए, रात को गर्म तो सुबह ठंडा, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा बाहर चिपकाना है, आप फ्रीज हो जाएगा बच्चा आपका, इन द सेंस ठंडा हो जाएगा, आप फिर हुक्म मानेगा। जय श्री राधे। हाँ जी, हाँ जी। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी रेमेडी पेरेंट्स के लिए भी मिल गई यहाँ पे, और बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें। तो जैसे कि संजीव जी, बच्चे तैयारी करते हैं तो कभी कभी जैसे डिप्रेशन की भी आपने बात की, उस वजह से हेल्थ डाउन हो जाती है, खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, जैसे जो बच्चे घर छोड़ के दिल्ली तैयारी करने आते हैं, इस टाइप से हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तो हेल्थ को कैसे हो क्या कर सकते? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बड़ा ही प्यारा सा उपाय बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा है कि बच्चा बिगड़ ना जाए, थोड़ा ये भी है। अब देखिए, इसे कोई बड़ा इंसान करेगा तो इससे उसकी शादी भी हो सकती है। अब किसी बच्चे को बेचारे को गर्लफ्रेंड ना मिल रही, उसको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, किसी को बॉयफ्रेंड ना मिल रहा हो तो बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ बहुत अच्छी होती है इससे, जोश व शुक्र बड़ा एक्टिव हो जाता है इस उपाय से। अब किसी को पैसा ना आ रहा हो, काम धंधा ना चल रहा हो, वो भी ये उपाय कर सकता है। आप दही से नहाना शुरू कर दीजिए। आपने देखिए, आपने दूध से भी नहाए, हल्दी से भी नहाए, उससे आपका एकाग्रपन बढ़ेगा, उससे हेल्थ भी ठीक होगी। लेकिन जब आप दही से नहाएंगे थोड़े दिन, ज्यादा मत नहाइएगा, माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है देखिए बच्चों का। अगर हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो आप थोड़े दिन दही से नहाइए, आपका मूड अच्छा रहने लगता है। या फ्राइडे के फ्राइडे नहाइए, फ्राइडे के फ्राइडे नहा लीजिए, हफ्ते में एक दिन फ्राइडे के फ्राइडे आप दही से नहाइए, आपका शुक्र बली हो जाएगा, उससे आपके जोश रहेगा। और डिप्रेशन कैसे दूर जाएगा? जब आप दूध और हल्दी से नहाएंगे तो पढ़ाई में भी मन रहेगा और भूलेगा भी नहीं आप। और साथ साथ में आप जो ना एक स्विच वर्ड भी चैन कर सकते हैं, अश्विना भी आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन करता है। और साथ साथ में आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि एक ना डॉक्टर साइन आता है इंगला पिंगला नाड़ी का। अच्छा। तो अगर वो साइन अगर आप अपने घर के जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं, आपका जो हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है हमारा, आपने ये वाला साइन जो है, ये जो साइन है, तो ये आप हेल्थ और इम्यूनिटी का साइन लगाते हैं तो आपकी हेल्थ अपने आप ही ठीक रहने लग जाती है। क्योंकि इंगला पिंगला नाड़ी जो है वो आपकी हेल्थ को, डॉक्टर साइन इसको बोलते हैं, वो आपको कहीं पर भी गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन वो ब्लू कलर वाला लगाना है आपने, रेड कलर वाला नहीं लगाना, ब्लू कलर वाला लगाना है, ना ब्लैक कलर वाला लगाना है, ब्लू कलर वाला लगाइए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और साक्षी जी ने बड़ा ही सुंदर और बढ़िया चीज बताई है। देखिए, अश्विनी कुमार जी देवताओं के डॉक्टर हैं, ठीक है। इसी वर्ड के वजह से मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे, कल मैं बीमार था और इसी वर्ड को चैंट करके मैं यहाँ बैठा। श्री राधे। अश्विना, अश्विना जी। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने चमत्कार देख लिया है। अश्विना जो वर्ड है हमारे सनातन धर्म का है। हाँ जी। इसे स्विच वर्ड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अश्विनी कुमार जी देवताओं के डॉक्टर हैं, तो हम भी क्यों नहीं यूज करें? हम देवताओं से कम है कि? सही बात। तो आपको कैसी भी बीमारी है, आपको कैसी भी तकलीफ है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको बुखार है, आपको कैंसर है, अल्सर है, टीवी है, आपको कोई भी बीमारी है, आपकी आंखें कमजोर होने लग गई हैं, आपको दांतों की प्रॉब्लम है, आपको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है आपको, आप अश्विना बोलिए। मैं कहता हूं जैसे आपको फर्क पड़ा है एक दिन में, सबको फर्क पड़ेगा पक्का। तो इसका कुछ ऐसा है कि मंदिर के पास बैठ के करना है या नहीं? कहीं पर भी आप कहीं पर भी बैठिए, बस आपने बोलना है वन टाइम में, आपने 108 बार बोलना है, 108 और सुबह दोपहर शाम बोलते रहिए। अब मैं बॉम्बे गई थी तो बॉम्बे में जेट लैग हो गया, मेरे कान में इतनी तेज की दर्द होने शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने चैंटिंग की अश्विना, तो मैंने देखा कि अगले दिन ही कान का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो है ना, हमारे जो स्विच वर्ड्स हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स, इनमें बहुत जो है ताकत है।
बहुत ज्यादा इस पे वो है। बाकी साथ साथ अपनी कुंडली भी चेक करवाइए, कुंडली में बीमारी के क्या योग है। आपकी कुंडली का लग्नेश जब भी छठे भाव में बैठ जाएगा, ऐसा इंसान को बार बार नजर लगेगी, बार बार वो बीमार पड़ेगा। तो ये आपकी लग्नेश छठे भाव में बैठ गया, लग्नेश आपकी कुंडली का लग्न का लॉर्ड, अगर आपकी कुंडली का वो अगर आठवें घर में बैठ गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तंत्र मंत्र जादू टोना, कीलब चौकी, भूत प्रेत जिनजिनात की जैसे कई लोगों की शिकायत होती है, तो वो रह जाती है। तो इस चक्कर में भी आपकी हेल्थ खराब होती है अगर आपका लग्नेश या तो बारहवें भाव में बैठ जाए। और लग्नेश जब भी आपका जो है राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए आपकी कुंडली का, तो वो लोग बार बार बीमार होंगे। ये आपके लिए टेम्परेरी एक सिचुएशन है। कुंडली को दिखाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी क्या पोजीशन है। अब लोग कई लोग कहते हैं कि हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, गेन चाहिए। अब वो आप कितने गेन्स ले पाएंगे जिंदगी में, कितनी ऊंचाई पे जाएंगे। आप एक जो है एक इंसान है, वो एक डॉक्टर है, वो एक क्या कहते हैं कि एक छोटे से शहर का डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है कि उससे लोग जो है क्या कहते हैं कि उससे अपॉइंटमेंट के लिए भी लोग तरस रहे हैं उस डॉक्टर से कि मेरे को तो भैया हार्ट का ऑपरेशन इस डॉक्टर से करवाना है। ठीक है, वो एक डॉक्टर दूसरा नॉर्मल डॉक्टर भी है, तो आप उसके पास क्यों जा रहे हो। ठीक है, नेम है। तो उसका नेम है, उसका फेम है, और क्या कहते हैं उसके पास जब जा रहे हो, तो ये अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में ऐसे योग है कि आप जो है बहुत बड़े ऑफिसर लेवल पे जा पाएंगे, आप बहुत बड़ी जिंदगी में नाम कमा पाएंगे, आप बहुत बड़े अच्छे उस पे जा पाएंगे, स्टेटस आपका अच्छा होगा। तो हर एक कुंडली के ये ग्रह होते हैं। अगर कोई कहता है हमें कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनके ना कुछ हाउसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो भाई पैसा चाहिए, तो हम उनके पैसे वाले ग्रहों को थोड़े टाइम के लिए हम प्लैनेट्स को चला देते हैं। लेकिन सबका चीजों का थोड़े टाइम के लिए असर आता है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम में उसको पास इतना पैसा आने लग जाता है कि वो कहता है भाई मजा आ गया। फिर उसके बाद ग्रह, फिर ये नहीं कि आप सारी जिंदगी के लिए हम किसी के ग्रह को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर समय पर दशाएं चेंज होती हैं, ग्रह चेंज होते हैं, तो ये चीजें होती है। तो उसके लिए हम उसके उस टाइम पीरियड पे उसके ग्रहों को एक्टिवेट कर देते हैं। जब प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं तो उसको वो चीजों का फल मिलने लग जाता है। तो ये चीजों की हमारी मास्टरी है। सो देख सकते हो आप कि मैम के जैसे कहा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। हाँ। वो आपको सही से चला सकता है, गाइडेंस दे सकता है कि कैसे आपको चलना है। और मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी चेंज कर सकता है रेमेडीज के द्वारा। और आपके अंदर कितनी झील है उस रेमेडीज को करने की। ठीक है ना, आपके अंदर कितनी झील है। अब हमारे पास जो है ना कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम जैसे क्या कहते हैं, कई लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग आते हैं कि जो बिल्कुल जैसे ठूठ पेड़ है, जिसमें बिल्कुल सूखा वह बंदा है, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उसको हमने पहले खाद डालनी है उसके पेड़ में, उसमें हमने पानी देना है, फिर वो पत्ते उगेंगे, फिर फल आएंगे, फिर वो आएंगे। अब कई लोग आते हैं क्या कहते हैं कि फिर हम उसको उपाय करवाते हैं, उपाय की फर्स्ट राउंड की रेमेडी, सेकंड राउंड की रेमेडी, थर्ड राउंड की रेमेडी उनको करवाते हैं, फिर वो फलदार वृक्ष बन जाते हैं। अब कई लोग आते हैं जिनके पहले से ही फलदार वृक्ष है, अब उसके पेड़ को वो फलदार वृक्ष हिल नहीं रहा, बस वो पेड़ हम उसको हिलाते हैं पेड़ को और फल गिरने शुरू रहते हैं। तो मतलब कई लोगों को तो इतनी जल्दी रेमेडीज के असर आ जाते हैं। और कई लोगों की कुंडलों में ये भी योग होते हैं कि कितने एस्ट्रोलॉजरों से वो रेमेडीज कर चुके हैं लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा। ये है। सो जैसे कि आपने जो इंटरव्यूज के लिए बता दिया, और जैसे सूर्य बलवान होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, सो क्या वो जो बच्चे जिनका सूर्य बलवान है ही नहीं, तो वो क्या डिमोटिवेट होके बैठ जाए, या वो क्या करे? वो वही उपाय करें जो हमने बताया, उससे फर्क पड़ेगा उनको। बिल्कुल 100% डाउन हो, भले ही सूर्य डाउन हो, आप अपने ग्रहों की रेमेडीज करके पावर को बढ़ा सकते हैं। सूर्य को अगर अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो है सुबह, अगर आप सूर्य को अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो आप सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। सूर्य जब उदय हो रहा है उससे पहले अगर आप उठना शुरू कर देंगे, तो आप अपने सूर्य को स्ट्रांग कर लेंगे। क्योंकि आप तो सूर्य क्या है, पंचुअल है, उसका टाइम है, उसने कब उदय होना है, कब अस्त होना है, आप उससे पहले शुरू कर दीजिए। आपको 15 दिन में समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। आप सूर्य उदय हो गया है, आप उठ रहे हैं 12 बजे और 12 बजे आप जल चढ़ा रहे हैं, तो उसका नहीं सूर्य उदय पे कीजिए और सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। आप पार्क में जाइए, सूर्य को नमस्कार कीजिए, पूरा उसका वो आसन कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें आप ना 5 लाल मिर्च के बीज डाल के चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय आप उसमें एक केसर डाल के चढ़ाएं,
लाल रोली डायरी चलाएं, आप देखेंगे कि आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। जनरल उपाय कोई भी कर सकता है किसी भी राशि का, ये जनरल उपाय है, ये कोई भी कर सकता है। और सूर्य की पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा सूर्य ठीक है, अब कई बार सूर्य राहु में भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब लग रही है। ये नहीं है कि सूर्य अच्छा होगा तो ही गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सूर्य शनि वालों की भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और कई ऐसे आपने देखा होगा कि सूर्य शनि इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर ऐसा शनि ने फेरा मारा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब उतर भी गई, उतर भी गई, या आप गवर्नमेंट जॉब में फंस गए या कोई लीगल एक्शन में फंस गए, यानी कि आपके ग्रह स्ट्रांग थे, आपको लगवा भी दिया और आपको फंसवा भी दिया। तो सूर्य राहु वालों की भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम या कुछ ऐसा लोगों का हो जाता है, ये चीज है। तो वो सब आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिंह जी कि ऐसा बोला जाता है कि अगर कुंडली में योग दिख रहा है कि आप बीमार पड़ेंगे ये, तो आप हॉस्पिटल जाके आ जाइए, है ना, हॉस्पिटल का पानी पी लीजिए, है ना, इंजेक्शन लगवा, ब्लड डोनेट कर दीजिए, है ना। तो क्या इसका क्या रोल है इन चीजों के अंदर? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ये सारा ये पत्रिका का भी खेल होता है। अब जैसे पत्रिका में हमने देखा कि इस इंसान को हॉस्पिटल जाना है या फिर जेल जाने का योग है या थाना कोर्ट कचहरी कुछ भी है, तो अगर हम उस इंसान को हॉस्पिटल का खाना खिलवा दें तो क्या होगा, ग्रह को लगेगा अरे ये हॉस्पिटल आ तो क्या, ग्रह ने बस ये देखना है ये इंसान हॉस्पिटल आया नहीं आया, बात बन जाएगी। या फिर हम कहते हैं जाके जेल की कैंटीन में भैया खाना खाया, इंसान जेल की कैंटीन में जाके खाना खाएगा और उसका जेल का योग रुक जाएगा और वो बच जाएगा। कितनी छोटी सी बात है। अब किसी का एक्सीडेंट होना हो, बड़ा खतरनाक खूनम खान होना हो उस इंसान ने, हम क्या कहते हैं खून डोनेट कर दीजिए, उसका खून निकल गया, जय श्री राधे मेरे मालिक। कई लोगों को तो संजीव जी ने, कितने लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनको हम हर महीने भी डोनेट करवाते हैं या दो तीन महीने के बाद डोनेट करवाते हैं कि आप डोनेट करते रहिए उनकी कुंडली के साथ। और जिनके जिनकी जिनके बार बार एक्सीडेंट होते हैं या बार बार जिनके क्या कहते हैं कि बार बार अभी चोट लग गई, कभी गाड़ी थूक गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बार बार वो दिक्कत परेशानी उनको आ रही है, तो ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए क्योंकि उनके मंगल जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं या मंगल उनके बद होते हैं। तो ऐसे में उनको पक्षियों को स्वीट बंस नहीं होते थे जिसमें चेरी लगती थी, वो बंस डोनेट करने चाहिए या फिर उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे भी उनके नेगेटिव प्लैनेट्स का असर कम होना शुरू हो जाता है। और आपने तो देखा ही, आप तो कोर्ट केस भी सहन कर रहे हैं, मतलब सहन इन द सेंस की माफी चाहूंगा मेरे मालिक मेरे प्रभु, मतलब आप कोर्ट केसेस देखते क्योंकि आप पुलिस वालों के इंटरव्यूज करते हैं, तो ये कोर्ट केस वगैरह आप सुनते रहते हैं, मुसीबतें, कोई धमका रहा है आपको, कोई आपको परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपका दुश्मन है, आप कहीं पे फंस गए, या आजकल आपको पता ही है पुलिस के हाथ चढ़ना कितना खतरनाक होता है किसी भी तरीके से, है ना। तो जैसे आप कहीं भी फंसने वाले हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है किसी भी तरीके का, या आपको लग रहा है वहां पे लड़ाई होने वाली है, या वो लोग वहां पे जाके मुझे दबाएंगे, या ऑफिस में बॉस आपकी बस रगड़ा पेली मचा दिया है, बॉस आपसे चढ़ गया है, बीवी खुंदक खा रही है, बीवियों को नहीं बताऊंगा पति को वो उल्टा बजाएगा। तो मतलब कोई भी कंडीशन हो, आप एक बारी बोलिए दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, आप इसको रोज बोलिए 108 बार। मैं कहता हूं कैसा भी कोर्ट केस हो, बॉस आपको परेशान कर रहा है, कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, कहीं आपकी लड़ाई झगड़े की संभावना है, एक्सीडेंट की संभावना है, आपको कुछ भी डर लग रहा है, आपको हॉस्पिटल जाने का डर लग रहा है, कोई दुश्मन कुछ भी हो, आप ये दुरंत देव जी का नाम लीजिए, मैं कहता हूं सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे अभी मैं एयरपोर्ट से मुंबई से वापिस आ रहा था तो मेरे पास एक इंसान आया, कह रहा सर आप कॉन्वालेक्सा वाले हैं ना, मेरे को यही बोलते हैं आज आप सर कॉन्वालेक्सा वाले हैं ना, वही है ना वो, मैं कहता हूँ हाँ जी मैं ही हूँ कॉन्वालेक्सा वाला। अब तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर बेचारे खुद का भी पॉडकास्ट बना के और प्रोग्राम बना के कॉन्वालेक्सा कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको बेचारे जो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हम कितनी रेमेडीज बताते हैं अपने पॉडकास्ट में, आपने शायद देखा हो,
हमें लोग कहते हैं भला कीजिए, हमने सालों लाइव लिया है, रात को प्रोग्राम के बाद मैं दिखाऊंगा, कम से कम 10,000 लाइव है हमारे। बताया साक्षी जी ने कि हम डेली लाइव करते थे रात में, रात को हमने बड़ी सेवा करी है, बड़ी सेवा करी है, बड़ी सेवा करी है। कोरोना में ही लाइव शुरू कर दिया था हमने, कोरोना के से लेकर अब तक जो है लाइव दे रहे कोरोना से लेकर अब तक। और उसमें आप फोन कॉल रिसीव करते थे, फोन कॉल रिसीव, हां जी हां जी, बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा। अब लोग हमें क्या कहते हैं कि भाई आप, हम फीस नहीं दे सकते हैं, आप सेवा क्यों नहीं करते लोगों की? अरे हम ये सेवा ही तो कर रहे हैं, आपको फ्री का दे तो रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं हमारे पास? मैं तो खुद कहता हूँ आपको हम फ्री का दे तो रहे हैं सब कुछ, आप पॉडकास्ट में देखिए हमारे सारे पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट देख लीजिए, किसी ने दी रेमेडीज इतनी ज्यादा कोई नहीं देता, किसी ने दिए स्विचवर्ड, अब हमें देख के हमारे स्विचवर्ड आपको बता रहे हैं, वो बात अलग है। वो बोला जाता है ना, फ्री का हजम भी नहीं होता लोगों को, जैसे जहाँ उनको लगता है कि पैसों वाली चीज में अलग बताएंगे, फ्री वाला तो ऐसे ही बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है। बिल्कुल, अब हमने पॉडकास्ट में आके सबको उपाय बांटे, साक्षी जी रोज उपायों की झड़िया लगा लगा के लोगों को, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे डेली उपाय देती है, तो वो कर लीजिए आप लोग। अब मैं एयरपोर्ट की आपको बात बताया था, वो लड़का मेरे पास आया, कहता है आप कॉन्वलेक्सा वाले? मैं कहा हाँ जी कॉन्वलेक्सा। कह रहा मैंने आपका दुरंत देव वाला वर्ड स्विचवर्ड बोला। मैंने कहा क्यों? कह रहा मेरा बॉस मुझे बड़ा परेशान कर रहा था, मेरे बॉस ने मेरी जान खा रखी थी, यूं लग रही थी, यूं लग रही थी। मैं कहा अच्छा यूं लग रही थी? तो मैंने कहा अच्छा भाई। कह रहा मैंने बोलना शुरू किया, यूं हो गई, यूं हो गई। मैं कहा भाई ये तो सही बातें बता रहा है लड़का, यूं करते यूं, मतलब रगड़ लग रही थी, फिर गाड़ी स्मूथ चलने लग गई। तो मतलब इतना अफेक्ट है इन चीजों को, हमें रोड पे लोग, एयरपोर्ट पे लोग, पार्क में लोग रोक रोक के बोलते हैं हमने कॉर्नवलेक्सा बोला, हमें बहुत फायदा हुआ। हमने अश्विना बोला, मेरी ये तबीयत ठीक होगी, वो तबीयत ठीक होगी। हमने दुरंत देव बोला, हमें वो परेशानी दूर हो गई। लोग बोलते हैं परोसो प्यारे बोला, हमें इतना मजा आया, हमें इतना फायदा हुआ। एक और बताता हूँ अब मैं आपको, चमत्कारी जरूर। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे के मॉल में घूम रहे थे, नाम तो मुझे याद नहीं रहते, वो इन्फिनिटी मॉल था शायद, तो मॉल में घूम रहे थे और क्या, तो एक लेडी अच्छी एज की थी, 70 years, लेकिन वेल मेंटेन्ड, फिट, टॉप और वो लॉन्ग स्कर्ट पहन के साक्षी जी के पास आई। कह रही आप साक्षी जी है ना? कह रही रोने लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? रोने लग गई लेडी, लिटरली सारे देखने लग गए, इन्होंने क्या कह दिया, वो रोने क्यों लग गई? सारे इकट्ठे हो गए, वो रोने लग गई लेडी। तो इन्होंने पूछा कि मैम क्या बात हुई? कह रही पैर छूने लग गई इनके, पैर छूने लग गई कि साक्षी जी आपने 58 बताया था घुटने पे लिखने के लिए ग्रीन पेन से। कह रही मैंने लिखा और मेरे घुटने ठीक हो गए, मैंने इतना इलाज करवा दिया, इतना पैसा लगा दिया, तब भी आराम नहीं आया मेरी पेन में, मैंने ग्रीन कलर के पेन से 58 नंबर लिखा, मुझे इतना आराम है। ये दुआएं नहीं है, ये हम फ्री में नहीं कर रहे काम, कर रहे हैं ऑब्वियसली, कर रहे हैं हम फ्री में। और उस लेडी ने इतनी दुआएं दी और वहां पे फिर लोगों ने और हमें पहचान लिया, अरे ये तो कॉन्वलेक्सा वाले भैया हैं, अरे साक्षी। और संजीव जी वो एक साथ में क्या हुआ कि हम एक ही शॉप पे गए, तो हम शॉप पे थोड़ा सा ज्वेलरी देखने लगे, ज्वेलरी देखने लग गई मैं, ज्वेलरी पे हम लोग देख ही रहे थे, तो वो जो जो लेडी थी वहां पर, सेल्स गर्ल थी, वो एक किसी से बात कर रही थी, वो किसी से बात कर रही थी, और बात करते करते ना वो फोटो ऐसे कर रही, और वो ऐसे देख रही हमें, ऐसे देख रही फोन पे, ऐसे करके देख रही। हमने कहा पता नहीं क्या कर रही है, फिर मैं कहा इसने भी पहचान लिया लगता है। तो कह रही क्या कहते हैं कि मैम आप वही हो ना जो क्या कहते हैं, कह रही है कि हमारे यहाँ पर ना ऑनर से मैं बात कर रही हूँ, और वो आपकी फोटो आपकी वीडियो भेजी है उसने, और बोला है कि उनसे मेरी बात हुई थी, फिर मैंने इनको बताया, ये इन्होंने बात करी, उन्होंने लेडी ने पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ तो हम अंदर चले गए, वहाँ ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी, ये देखने लग गए। तो वो मेरे पास आई कि आप आते हैं ना, आप कॉन्वलेक्सा वाले हैं, और वो साक्षी जी, मुझे नाम से कोई जानता ही नहीं है, भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मेरा नाम संजीव ठाकुर है, इनका नाम साक्षी ठाकुर है, मैं कॉन्वलेक्सा वाला भैया बन गया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे कि आप कॉन्वलेक्सा वाले भैया है ना, वैसे नहीं, आप भैया आप साथ में आते हैं, ऐसे बोलती है
कि आप कॉर्नवेल एक्स वाले भैया है ना, और ये साक्षी जी है ना, इनका नाम सारी जानते हैं, मुझे कॉर्नवेल एक्स बनाया तो शुक्र है एलेक्सा नहीं बनाया तो मुझे सबका जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑनर है उनकी हर मॉल में 3-4 शॉप है, मतलब हर मॉल में एक एक ऐसे 3-4 मॉलों में है, और उन्होंने सबको कहा है प्रोसो प्यारे और कॉर्नवेल एक्सा बोलना है। तो मैंने कहा तू अच्छा, कह रहे हाँ, और मैंने कहा फिर आप बोल रहे हैं, कह रहे हाँ अभी अभी उनका फोन आया था, और मैंने उन्हें बोला है कि वो कॉर्नवेल एक्सा वाले तो यहाँ आए हुए हैं। कह रहे अच्छा, कह रहे रोज हमें याद दिलाते कॉर्नवेल एक्सा और परोसो प्यारे बोलना है क्लाइंट के लिए, और कॉर्नवेल एक्सा बोलना है पैसों के लिए। मैंने कहा कुछ फर्क पड़ा? तो उन्होंने कहा पहले से सेल बढ़ गई और क्लाइंट भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन हम देख देख के जाते थे, खरीद के जाते हैं। हाँ, कह रहे मैंने कहा लेकिन हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम भी करते हैं और हम उपाय भी करते हैं। हम नहीं फंसेंगे आपके। अगर संजीव जी अगर कॉर्नवेल एक्सा सबके लिए, तो हमारे पास उसका बाप भी होगा। बिल्कुल, क्लाइंट हम यही तो बोलते हैं, वो दोबारा जो जो बेचारे अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो उनको उनका बाप भी तो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप, अगर मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर कोई भी, ये सिर्फ कोर्ट केस के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, आज नया स्विच वर्ड देने जा रहा हूँ, अगर कोई भी आप लोग कोर्ट केस में फंस गए हो किसी भी तरह का, चाहे वो मर्डर केस हो, किसी भी तरह का केस हो आपके ऊपर, आपने क्या बोलना है? अरमेंटिकोज, 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 अरमेंटिकोज। मैं कहता हूँ किसी भी तरह का केस हो आप बरी हैं, ये मेरी गारंटी है और आपकी विजय है। एक बार दोबारा बताएंगे आप, बशर्ते बशर्ते आप सही होने चाहिए। बिल्कुल, ये पॉजिटिव वे में लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिए। ये नहीं कि आप जो है ना, अब हम खून करके अरमेंटिकोज बोलेंगे, नीचे बड़े सारे मैसेज आ जाएंगे। अरमेंटिकोज, अरमेंटिकोज। This is the Forkshire of Italian Forkshire. तो आपने बोलना है अरमेंटिकोस, ठीक है ना, और बाकी दुरंदेव तो है ही, और साथ ही साथ में आप जो है मनी के लिए जो है, अगर कोई मनी किसी रिलेटेड, देखिए आपको कॉर्नवेल एक्सा तो बोल रहे हैं, लेकिन मनी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अगर चाहते हैं तो आपने बोल करना है श्रीम 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 का जाप कीजिए, 108 बार कीजिए, आपकी मनी की ब्लॉकेजेस तक खुल जाएंगी। जो कहते हैं ना कि मनी आती ही नहीं है, जो कहते हैं ना कि हमारे पास तो कुछ पैसा हमें दिखता ही नहीं है, आता है छूमंतर हो जाता है, आता है छूमंतर हो जाता है, पैसा आता है, तो वो लोग 108 बार बोले श्रीम 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 श्रीम, उनकी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी, उनके पास पैसा का फ्लो बढ़ जाएगा। ये मनी की फ्रीक्वेंसी के लिए है। ये तो शायद लक्ष्मी माता से, लक्ष्मी माता का, माता लक्ष्मी का जो है ये स्विच, वो स्विच वर्ड कह लीजिए, या वैदिक वर्ड कह लीजिए, या मंत्र कह लीजिए, या बीज मंत्र कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। श्रीम 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 श्रीम। और साथ में आप जो है अपने दोनों अंगूठों पे आप जो है चांदी के छल्ले पहन लें, ठीक है। और जो लोग अभी चांदी के छल्ले कहते हैं कि नहीं खरीद सकते भाई, 1000 के आ जाएंगे, 2000 के आ जाएंगे, वो सफेद रंग का रेशमी धागा बांधे पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों अंगूठों पे सफेद रंग के रेशमी धागे बांध लें, फिर उसके बाद जैसे वो धागे गंदे होने लग जाए, हर शुक्रवार की शुक्रवार आप उन धागों को बदल लीजिए, और ऐसे ही दोनों धागों को अपने पैरों के अंगूठों में पहनिए, और दोनों अपने हाथों के अंगूठों में पहनिए। कैसा भी खराब आपका शुक्र होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि आप जो है केतु को ठीक कर रहे हैं। अंगूठे जो आपकी बॉडी के चार अंगूठे हैं ना, दो पैरों के, दो हाथों के, तो ये आपके शुक्र के पार्ट है, ये केतु के पार्ट है। केतु को ठीक करते ही राहु ठीक होता है, राहु को ठीक करते ही शुक्र ठीक हो जाता है। तो आप देख सकते हो, देखो ये काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं एस्ट्रोलॉजर मतलब लाखों का सौदा और करोड़ों का सौदा, हमें पता नहीं क्या बोल देंगे लेने के लिए, ये पहनो वो पहनो, सोने की चीज पहनो चांदी। आप देख सकते हो कितना छोटा सा उपाय, धागे को बांधने के लिए हमारे घर में ही धागे होते हैं इतने, और बेजुबानों को खिलाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज आपको पता चल रही है। सो और कुछ रेमेडी मैंने, जैसे जो बच्चे होते हैं उनका एक ड्रीम होता है ड्रीम जॉब को पाने के लिए, है ना, एक ड्रीम देखते हैं वो कि ये मेरे को जॉब चाहिए, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक ड्रीम होता है ना, तो उसको क्रैक करने के लिए वो क्या ड्रीम जॉब के लिए जो है ना, आप क्या कर सकते हैं कि आपको मैं एक वर्ड बता रही हूँ, कि आपको एक नंबर बता रही हूँ, वो नंबर को आपको चैंट करना है, जैसे कि आप मोबाइल नंबर को चैंट करते ना, ऐसे आपको वो नंबर को चैंट करना है। वो नंबर है 7475 7475 12179। ये आपको जो है वर्ड को आपने बोलना है, जैसे कि आप मोबाइल नंबर को किसी को बोलते हैं तो ये आप बोलेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको।
7475121179। ये आप बोलिए, इसको आप बोलते रहिए 108 बार बोलते रहिए, सुबह दोपहर शाम, ये 3 बार आप बोलिए 108 बार। तो आपके ड्रीम जो आपको आपको मेहनत नहीं करनी है, आप मेहनत कर रहे हैं तब भी आपका काम नहीं हो रहा, तो आप इसको साथ में लीजिए। ड्रीम जॉब बोलकर आप अपने मन में करिए, ड्रीम जॉब मेरी जो है उसको इमेजिन कीजिए और ये आपको उसकी चैंटिंग करनी है। अच्छा, और संजीव जी एक चीज और, जैसे ये वर्ड्स बोल रहे हैं ठीक है, तो अगर वो समस्या उस पर्सन को नहीं है और वो उससे रिलेटेड वर्ड बोल रहा है तो ये उल्टा प्रभाव तो नहीं डालेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। लाइक उसका कोर्ट केस चल ही नहीं रहा है बट वो अपनी सेफ्टी के लिए वैसे ही बोल रहा है? नहीं, वो सेफ्टी के लिए फिर ऐसे सेफ्टी के लिए दुरंत देव है, दुरंत देव बोलिए, वो सेफ्टी के लिए। आप अन्यथा कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो नहीं बोलना है। अगर सेफ्टी के लिए या वैसे ही बोलना है कॉन्फिडेंस के लिए, कहीं आप फंसे ना, कहीं एक्सीडेंट ना हो, डर ना लगे, तो आप दुरंत देव को याद कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैंने एक और बताया था, कभी भी कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो शादी की मीटिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू की मीटिंग हो, चांदी का बुरादा ले जाइए ना आपके साथ, छिड़क दीजिए थोड़ा सा चांदी का बुरादा, थोड़ा सा छिड़क दीजिए। कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी मीटिंग हो, 99% आपके हक में जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। और कहाँ, उस रूम में डालना है? वही बैठते हो डाल दीजिए। अच्छा। अपने पास ही देखिए, फिर उसके बाद कमाल ही कमाल है, उसके बाद देखिए इसका बड़ा मतलब आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा उस समय, बहुत जबरदस्त। और कोर्ट केस में हमने बता रखा है, आप 10 सुहारे लाल कपड़े में बांध के लेके जाइए एक बार कोर्ट में, और साथ में चांदी का बुरादा भी छिड़क दीजिए कोर्ट में, आपके हक में केस जाएगा। बताइए कितने तो उपाय, हम जी जान से उपाय देते हैं लोगों को। और आपको चाहिए पैसा और आनंद, तो आप क्या करें, क्या करें आप? आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, एक छोटी सी मटकी ले, इतनी सी गुजिया, उसमें दूध भरिए, फ्रीजर में जमा दीजिए। मैं कहता हूं 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा पैसा आने लग गया है। इतना जबरदस्त रेमेडी है ये, तो मैं इतने लोगों को करवाता हूं, मजा आ जाता है, मजा, आनंद ही आनंद। करते ही थोड़ा सा दूध लेना है, कितने का है, 5-10 रुपए की वो भुजिया, 2-3 रुपए का दूध। अब लोग पता क्या लिखे, 2-3 रुपए का दूध कहाँ से आता है? अरे भाई, जो घर में आया हुआ वो डाल लो। सही बात है, लिखने में टाइम वेस्ट करना है। अपने आप को एक्स्ट्रा क्लेवर समझते हैं लोग, एक्स्ट्रा क्लेवर। 2-3 रुपए का दूध कहाँ से आता है? अरे भाई, जो फ्रिज में पड़ा है वो निकाल के डाल ले, 2-3 रुपए का आएगा। कच्चा दूध या पक्का दूध, हाँ, कैसा भी ले लीजिए। अच्छा, ये आपकी श्रद्धा, जैसा मर्जी लीजिए, बस फ्रिज में जमा दीजिए। और जिसने, जिसको पैसा अटका हुआ है, पैसा आ नहीं रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, पैसे की तंगी हो रही है, आप रख दीजिए, आपको पैसा आने लग जाएगा। कितने दिन रखना इसको? आप रखिए ना, दूध कौन सा खराब हो रहा है, वो तो जम गया। हाँ। आप रख, जितना वो पुराना होता जाएगा उतना इफेक्टिव होता जाएगा। अच्छा, आप भूल भी जाएंगे, आपने फ्रिज में मटकी में दूध जमा पड़ा है, और आपको पैसे ही पैसा आ रहा है, भूल गए भाई, क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है पैसा, आ रहा है बस पैसा, क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा। यही तो बात है, तो जितना स्थापित होता जाएगा उतना ही पैसा। अब मैंने भी रखा हुआ है भाई साहब, मैंने रखा खूब पैसा ही पैसा, मैं भूल जाता हूँ मैं मटकी में, अब मैं बताता हूँ पॉडकास्ट में, तब मुझे ध्यान आता है, वो यार मैंने तो दूध भर, मैंने भी तो मटकी रखी हुई है, मैंने भी तो रखी हुई है थोड़ी सी, मगर आनंद तो ऐसी है। हमारे जो है ना एसीपी सर आए थे और उनको संजीव जी ने बताया कि आपने ना ये अशोक विहार में, ये वैसे किसी अशोक विहार में एसीपी है, वो डीसीपी सर के, तो क्या कहते हैं कि ना जो है ना ये जो उपाय है ना वैसे कुंडली का भी, ये फोटो लगी, ये कुंडली का भी जो है ना ये उपाय, वो लगी लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट वाले, तो क्या कहते हैं कि ये जो उपाय है ना कुंडली का भी होता है, कुंडली में अगर आपका परमानेंटली योग बैठा हुआ है तो उसको ज्यादा आता है, उस बंदे को ज्यादा आएगा, बाकी को थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन उसको ज्यादा आएगा, जब उपाय बन रहा है तब करेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। अब मैंने इनको करवा दिया, इनका जन्म जात, उनका जन्म जात जो है ना ग्रह वही है, वही था,
तो मैंने मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी ले ले, उन्होंने इतना बड़ा मटका ले लिया। अरे एक जो ब्लॉक है ना वो पूरा मटके के लिए रख दिया मैंने। वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे बड़ा सा मटका रख दिया, दूध भर के जमा हुआ। कह रहे आप पैसा आ रहे कहाँ से आ रहा है, वो जितना पुराना हो तू जगह पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। और इतना आनंद आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मालिक मेरे प्रभु, मैं कह रहा हूँ इसके बाद तो तर गई जिंदगी। ओए होए होए देखो क्या हमारे सारे उपायों में चमत्कार है, चमत्कार लिटरली चमत्कार है। हाँ जी, आप जैसे कि साक्षी जी आपने बात किया अपॉर्चुनिटीज की, अभी एक बच्चा होता है जो तैयारी कर रहा है बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या तो जॉब के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि कब निकले, फॉर्म पता ही नहीं चला, दूसरे ने भर भी दिए, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो उसके लिए कोई रेमेडी? तो वो बेचारा जो है ना फिर वो अपने ऊपर काम करे ना दीदी, थोड़ा पत्रिका दिखा दे, अगर नहीं आ रहा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब बेचारे के ग्रह थोड़े से खराब है ना, तो थोड़े छोटे छोटे उपाय करेगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये तो यही तो बात है ना कि मौके पे चौका कौन लगाएगा, मौके पे चौका कौन लगाएगा। एक बंदे ने तो है ना दो बंदों ने भर दिया, अब वो जो है ना दो जने कर रहे हैं, एक किस्मत भी आपकी जो ना लक फैक्टर में बड़ा काम करता है, ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपके लक फैक्टर भी काम कर रहा है, साथ में आप स्विचवर्ड्स भी कर रहे हो, साथ में आप जानवरों की सेवा भी कर रहे हो, आपने अपनी कुंडली भी दिखाकर अपने ग्रहों को भी एक्टिवेट कर लिया, तो फिर तो काम होना ही होना है ना, काम होना यही है। बस कुंडली में योग होना चाहिए, मैंने क्योंकि इससे पहले भी आपको सुना था तो उसमें आपने बोला कि कुंडली में योग। देखिए देखिए क्या होता है मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका, अब बच्चे की जो बचपन से लेके सेवंथ एट्थ की पढ़ाई होती है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जिनको नॉलेज भी है वो समझ जाएंगे, तो आप फर्स्ट हाउस के ग्रह को ठीक कर लीजिए, या वहां पे अगर खराब ग्रह बैठे हैं उनको ठीक कर लीजिए। अब ये तो पत्रिका देखनी पड़ेगी उस चीज के लिए। फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा, सेवंथ एट्थ के बाद की स्टडीज होती है, तो आप फिफ्थ हाउस को ठीक करेंगे, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपकी स्टडीज ठीक हो जाएंगी, ठीक है जी, और भी कई चीजें ठीक होंगी। और जब बहुत बड़ी डिग्री लेने का टाइम आता है तो एट्थ हाउस से ठीक करते हैं उस चीज। अच्छा अच्छा, और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, करियर सेट नहीं हो रहा, फिर वो टेंथ हाउस देखना पड़ेगा। ये फिर लॉजिकल बातें आ जाएंगी फिर तो पत्रिका की। कई लोग जो है ना उनकी बहुत सारी डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होते, है ना, ये होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में है तो ऐसा इंसान करेगा पड़ेगा कुछ और करेगा कुछ, छठे भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान करेगा क्या करेगा कि जो एक काम को करता 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 छोड़ देगा, और उसके बाद अब वो ऐसा काम पकड़ेगा जिसमें आप कहते हैं कि लल्लू करे कबलिया दब से दिया पावे, ऐसा इंसान एक ऐसा काम पकड़ लेगा जिसमें उसको जिंदगी में भगवान उसकी मदद करने के लिए तैयार बैठ जाएगा, उसके तैयार होगा। तो ये चीजें आप देखें, तो ये बहुत सारे योग होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, तो उसके लिए पत्रिका एक बार देख ले। और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कहीं होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स वीक होते हैं तो हम उनके भावों को एक्टिवेट करते हैं, उनको पावर देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को आप कोई कमजोर है तो बच्चा कमजोर है उसको आप अच्छे पौष्टिक भोजन खिलाएंगे, ऐसे हम उनके भावों को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि हमने भी अपने कुंडली के भावों को एक्टिवेट कर रखा है तो हमें क्या चीज चाहिए, क्या हमें चाहिए नेम फेम गेन, ठीक है, ये चाहिए, तो हम उस भाव को एक्टिवेट करेंगे। अगर हमें चाहिए आप कोई कहता है हमको कहता है कि हमें पैसा चाहिए तो हम उसके भाई सारे पैसे वाले 12 भावों में से सारे पैसे वाले भाव उसके एक्टिवेट कर देते हैं बाय तंत्र बाय मंत्र बाय यंत्र, हर तरीके से हम उसके एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछने वाला था कि जो यूथ है आज का, अब पढ़ाई से अगर हम अटके जाए तो लव रिलेशंस काफी सारे मैटर करते हैं इसमें, उसकी वजह से डिप्रेशन भी आ जाता है बंदे की लाइफ में, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अगर प्रपोज करने जा रहा है लड़का तो क्या करके जाए, उसके माइंड में ये क्यूरियोसिटी है कि लड़की मानेगी कि मानेगी, या वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो कुछ वैलेंटाइन स्पेशल आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इसमें आपके एक तो वाक शक्ति मतलब बोलने की एबिलिटी कैपेबिलिटी भी बहुत, और दिमाग आप उस समय क्या बात बोलते हैं, और फिफ्थ हाउस बड़ा जरूरी है इसके लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, फिफ्थ हाउस पढ़ाई के लिए भी और प्यार मोहब्बत के लिए भी। देखिए तो फिफ्थ हाउस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, फिफ्थ हाउस को ठीक करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाइए, घर से निकलते हुए चीनी खा के पानी पी के जाइए, है ना, अभी बताया था आपको, और इलायची खा लीजिए बात करने से पहले, बात
जब इलायची खा लें तो बात कीजिए, और फिफ्थ हाउस को जरूर ठीक कीजिए, सूर्य को जल, और वहां पे जो प्लेनेट है उसको ठीक कीजिए। मैं कहता हूँ फ्रेंडशिप होगी होगी, इतनी फ्रेंडशिप हो जाएंगी, इतनी लड़कियां पड़ जाएंगी, पूछो मत। और दूसरा एक और चीज, अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आप गुलाब जल के पानी, पानी में गुलाब जल डालकर नहाइए। अच्छा, उससे आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। और अपने दोनों ये जो आपके हाथ हैं, ये देखिए आपका हाथ का जो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका शुक्र होता है। यहाँ पर देसी घी से इसकी मालिश कीजिए रोज, देसी घी से आप इसको इसकी मालिश कीजिए। जितना आपका शुक्र एक्टिवेट होगा, जितना ये उभरा हुआ होगा, तो उतना आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। आपका जितना यहाँ पर लाइंस होंगी, तो उतना ही जो है ना लोग इसमें यहाँ पर जेल के यात्रा के योग बन जाते हैं। अच्छा। और प्यार में धोखे के योग बन जाते हैं। जितनी लाइंस इसमें बहुत ज्यादा पड़ी होती हैं, तो आपका शुक्र उतना ही डैमेज है। जितना ये उभरा हुआ होगा, रेड कलर का पार्ट होगा, इसमें लालिमा होगी, उतना आपका शुक्र जो है वो एक्टिवेट रहेगा। अभी ये पिचका हुआ है, ये दबा हुआ है, अब इसमें लाइंस बहुत सारी हैं, तो आपके रिलेशंस कितने होंगे, ये सब यहाँ से पता चल जाएगा शुक्र कितना अच्छा है आपका। तो अब मैंने बता दिया कि गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए, गुप्तांगों को दही से धोइए, तो मेरे इतने वो बना दिए लोगों ने, इतने वो बना दिए। तो मैं अब ये वाला कम बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दही से नहाना शुरू कर, दही से नहाओगे तो गुप्तांगों में अपने आप ही दही पहुंच जाएगा। क्योंकि उसमें संजीव जी ऐसा हो रहा था कि आपने बोल दिया था कि हाँ बंदियां 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 काफी सारी, तो मतलब जैसे एक्चुअली वो तीन फ्रेंड्स ने बोला था बंदियां बंदियां, तो मुझे हंसी आ गई थी, तो वो बंदियां बंदियां शुरू हो गया फिर। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कॉलेज में दोस्तों का ग्रुप है, उसमें सबकी गर्लफ्रेंड है, एक उसमें से एक ऐसा होता है जिसके पास लड़की आती नहीं, देखती तक नहीं, अट्रैक्शन के लिए क्या चीज करेगा? अट्रैक्शन के लिए अब सबको हराना है ना, सबको हराना हराना तो दुरंत देव कब काम आएंगे? अरे फिर वही बात कर दी आपने, मैंने क्या बोला, दुरंत देव तो वो काम कर देते हैं आपके, वो कौन हो गए आपके कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? दुश्मन। बोलिए दुरंत देव, दुरंत देव सारे गायब, अगले दिन आएंगे नहीं, आप अकेले बैठे हुए। बस आनंद ही आनंद, परमानंद। बट आप अकेला नहीं बैठना, आप लड़कियों को बुलाना, फिर वो कैसे आए? वो बहुत सारी चीजें हैं, तो अब हम सारा सब कुछ बता देंगे अपने पर्सनल क्लाइंट को, क्या बताएंगे? पर्सनल क्लाइंट क्या करेंगे बेचारे? हाँ, संजीव जी एक आपको जर्नल उपाय लड़कियों के लिए कि वो अकेला ना बैठे, लड़कियों से घिर जाए, वो लड़कियों से घिर जाए तो वो फिर दही वाला उपाय करना पड़ेगा। अच्छा। आपको गुप्तांगों को दही से धोइए फिर। अच्छा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, आप शुक्र बहुत बली हो जाएगा। अच्छा। सारे गुप्तांगों को दही से धो के आ जाएंगे फिर। सारे लड़के ही धोके आ जाएंगे। अरे एक आधे लोगों ने तो मुझे बताया कि मीम्स वगैरह क्या बनते हैं, वो छेड़खानी मीम्स क्या कहते हो, तो कई कई बातें, इससे धोले उससे धोले इससे धोले, तो बड़े मतलब दुनिया ने बताया हमें, पता नहीं। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अगर आपने अंदर लाना है, बहुत सुंदर बनना है, बहुत अट्रैक्टिव बनना है, आपको देखते ही लोग अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट मतलब आपके अंदर एक खिंचाव सा रहे जीवन में, तो एक दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। बहुत ज्यादा खिंचाव अगर आपने लाना, सूर्य को तो आप चढ़ा ही रहे, पिता को दूध पिला रहे हैं, समझ रहे हैं आप, पिता को दूध पिलाइए डेली, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले। अच्छा, सुबह सुबह। हाँ। दूध पिलाया, आपका क्या अच्छा हुआ? सूर्य चंद्रमा, सूर्य बृहस्पति मंगल, चार ग्रह। आप दही से नहा रहे हैं, आपका क्या अच्छा हुआ? शुक्र शुक्र अच्छा हुआ। अगर आप इतने भी ग्रह अच्छे कर लेंगे, आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, लोग आपसे इंप्रेस होने लग जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, ये छोटी छोटी रेमेडीज अपने अंदर घर बसा लीजिए, आप देखिए माता पिता खुश हो जाएंगे, और आपकी अट्रैक्शन, जिसका सूर्य बली होता है ना और मंगल बली होता है, उसके चेहरे भी तेज होता है, लाली होती है। बात ये नहीं है रंग की, बात नहीं है, उसमें एक अलग ही बात दिखेगी। अब आपने अंदर घुसते ही हमें आपने क्या बोला, आपको लाइट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हम कर रहे हैं ये चीजें, हम करते हैं ये चीजें, हम इसीलिए अट्रैक्टिव हैं, हम इसीलिए खींचते हैं दुनिया को। अरे आप लोग भी खींचो ना, करो,
जो चीज नहीं है हम दे तो रहे हैं आपको, बता तो रहे हैं, फ्री में बता रहे हैं। आप करना ना चाहो तो हम क्या करें। आप देखिए कितनी अट्रैक्शन आपके अंदर आ जाएगी। आप दही से नहाना शुरू कीजिए। आप घर से निकलते हुए चीनी मुंह में डाल के पानी पी के निकलिए। आप पिता को दूध पिलाइए, माता को एक कसोला ले लीजिए, कभी कभार महीने में एक बार ही ले लिया, दूध से पैर धोइए माता के। जब माता बिना कुछ किए ही आपको इतने आशीर्वाद देती है तो सोचिए जब आप माता के पैर दूध से धोएंगे तो कितने आशीष मिलेंगे। उस समय जब अंतरात्मा से दिल से आपके लिए जो दुआ निकलेगी, मैं नहीं मानता भगवान भी उसे कुछ कर जाएंगे। भगवान भी जाएंगे, भाई मेरे बस की ना है अब कुछ करना, मैं अब इसको दुख नहीं दे सकता, माता का हो गया भाई अपनी। हाँ जी हाँ जी। और फिर उस दूध को जो है वो कुत्ते को पिला दीजिए, वेस्ट नाली में मत डालिए, पिलाइए। पिता को आप रोज सुबह उठ के दूध और वो देंगे केसर, पिता कहेंगे एक्सरसाइज है ना, पिता का भी दिल खुश, मेरा पुत्र मेरा बेटा शाबाश। ये आशीर्वाद, ये दुआएं, इन्हीं से होता है जो होता है, बाकी कुछ नहीं है प्रभु जी, सब मोह माया, सब मोह माया। और ये मोह माया अगर अगर आपने ऐसे खुश कर दिया ना तो मोह माया सब कुछ आपके पास ही होगी, सारी माया, सारी सब कुछ आपका ही है, माया काया सब पर सब 101%। हाँ जी हाँ जी। और ऐसा तो नहीं होगा संजय जी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन वो गुप्तांग धोके निकले दही से और पीछे बंदिया सारी लाइन लगा के सारी लाइन लगा के कि आप हमारे बन जाओ बंदे 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 सही बात है। क्योंकि वैलेंटाइन वीक आने स्टार्ट ही होने वाला है। और मतलब जैसे कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग का कि वो डिपेंड करता है किसके बीच में। अच्छा, मतलब मैरिड और अनमैरिड, देखिए अनमैरिड अलग है और मैरिड अलग है। अगर जो है ना मैरिड कपल के बीच में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या कीजिए, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें आप ना गुलाब जल डाल लीजिए और साथ में थोड़ी सी कपूर की टिक्कियों का पाउडर बनाकर उसको डाल लीजिए और उसका स्प्रे जो है वो अपने जो बेडरूम होता है ना बेडरूम पर स्प्रे करके फिर उसके में सोना शुरू कर दीजिए। ऐसा 43 डेज तक कीजिए, अपने सोने वाले बिस्तर पर आप वो स्प्रे कीजिए, आपकी बाउंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और अपने घर में कलेश का वातावरण जो है वो कम से कम रखिए। और आपको जो है ना ये तो स्प्रे जो है ना आप अपने घर के कोने कोने में करिए और इससे आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा उसमें कपूर का पाउडर डालिए, उसके बाद आप देखिए कितनी ज्यादा। और अब तो वैलेंटाइन वीक आने वाला है तो आपको क्या करना है, अगर आपको आपके कोई जीवन में कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई आपके जीवन में कोई है ही नहीं, आप चाहते हैं कि आपका अट्रैक्शन बढ़े, आपके पास कोई आए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बने, आपका बॉयफ्रेंड बने, तो आप क्या कीजिए, कपूर का तेल या कपूर को कई लोगों का कपूर का तेल नहीं मिलेगा तो कपूर को आप थोड़ा सा उसको क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर बनाकर उसको जो है आप वीरवार की रात को आप उसे जो है पानी में डालकर रात को छोड़ दीजिए और अगले दिन शुक्रवार वाले दिन आप उसे नहाना शुरू कर दीजिए। आप ये 4 बार भी कर लेंगे ना आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे क्या कहते हैं, यार पसंद तो मैं उसको करती हूँ लेकिन पता नहीं खिंची आपके पास से ले आ रही हूँ, लो भाई कर लो मेरा भी हो पसंद तो मैं उसको करती थी, खिंचा पता नहीं खिंची आपके पास आ रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों के ये बड़े सारे फीडबैक्स हैं हमारे पास। तो हम इतने सालों से ये सब चीजें कर रहे हैं और कम से कम में ये 22 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की और जो है फेस रीडिंग की। तो ये सारी चीजें जो है अब हमने माँ काली की भी सिद्धि कर रखी है मैंने और गुरुजी ने भैरव की कर रखी है। तो हमें तो अब की तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र भी हो जाता है, भूत प्रेत भी चढ़ जाते हैं, अल्लाह वला जादू टोना तंत्र मंत्र कीलक चौकी भूत प्रेत जो भी इनके पास होते हैं तो हम उनकी भी उतारे कर देते हैं। आपने एक चीज बताई कि वो गुलाब जल और वो कपूर का वो करना है, ऐसा बोला जाता है कि खुशबू से जो ये अला बला हवाएं होती हैं खींची चली आती हैं और आप रात को ही बोल रहे हो इसको करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव एनर्जी, इससे कोई आपका नेगेटिव एनर्जी नहीं, आपका शुक्र पॉजिटिव होगा, शुक्र पॉजिटिव होगा। आप उसको लगा कर जो है ना वो आप बाहर आप तो वो नहा कर वो कर रहे हो ना उसकी एनर्जी को अपनी बढ़ा रहे हो तो उससे आपका शुक्र। और अवश्य ही मैं अपने ऐसे हम इत्र भी तो लगाते हैं। अब हमें कई लोगों ने बोला कौन वाला लक्षा से क्या होगा, कौन वाला लक्षा से क्या होगा,
होगा। अब एक बात बताइए, जब आप इम्पोर्टेड परफ्यूम लगाते हैं तो कॉन्वलक्सा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? साक्षी जी, हम सारे इम्पोर्टेड चीजें यूज कर रहे हैं, सारा चीन से इम्पोर्ट हो रहा है, जो भी इम्पोर्ट हो रहा है, चाहे चीन से आ रहा है, चाहे फ्रांस से आ रहा है, चाहे अमेरिका से आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे कोलगेट ले रहे हैं वो भी भारत का है। अब हम आपको वैदिक भी तो बता रहे हैं, जब आप इम्पोर्टेड परफ्यूम लगा सकते हैं तो कॉन्वलक्सा भी तो बोल सकते हैं, क्रॉसो प्यारे भी तो बोल सकते हैं। इसमें आपके पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहे हैं, आपको बोलना ही तो ऐसे बोलना। देखो कई बार कई लोग कहते हैं कि हम पहले बोल रहे थे, हमें पहले असर आया, अब नहीं आ रहा। तो वो देखिए, वो आपकी ऑरा भी कई बार चेंज हो जाती है, आपके ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए अब आपको एक चीज दी है उसको देखियो, और अगर उसका असर आता है तो फिर आप अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं और वैसे भी बात कर सकते हैं। ये चीज है इस तरीके से। तो मैम, जैसे कि आपने ये कुछ चीजें बताई लव रिलेशंस को लेकर, है ना, और स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी गाइडेंस करी, तो जैसे कि आपने सर बताया कि धुरंत देव का नाम लीजिए, उससे आपका जो भय है ये सब चीजें कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे अप किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या ऐसा होता है जैसे अपनी माता या बहने अगर रात को निकली है तो उनको एक डर सताता है कि हाँ यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ है, तो वो भी इस चीज का बिल्कुल कर सकती है। आप जो डर अगर आपको सताता है ना, तो आप हनुमान चालीसा बोलते बोलते चले जाएंगे, हनुमान जी के चालीसा में। ये है ना, किसी को ना याद हो तो दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, रास्ता पार हो गया, कोई कष्ट नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। अगर कहीं फंस गई है बेचारी माताएं बहने और अकेले निकल रही हैं वहां से, थोड़ा सा बोल लीजिए तुरंत देव, तुरंत देव बचाना, आज कोई चीज गलत ना हो, तुरंत देव सब कुछ ठीक रहे, तुरंत देव सब कुछ ठीक रहे, ना कोई आए ना बोल, तो निकल जाइए आप, निकल जाएंगे, देखना ये मैसेज भी हमें आएंगे, ये भी मेरी गलत। आप जो ना जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा जो है ना कि हमारी लाइन है, तो चार चुपाइयां जो है हनुमान जी की वो आप बोल लीजिए, तो उससे भी आपके जो है ना सारे कष्ट कट्टे लग जाएंगे और आपको डर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। ये है, और जिनको कॉन्फिडेंस की कमी रहती है वो अपने जो है साउथ के डायरेक्शन में उड़ते हुए हनुमान जी, जो उड़ते हुए हनुमान जी है ना, वो आप अपने घर के साउथ में लगाइए, वो पिक्चर लगाइए, और साथ में आप घर के साउथ साउथ ईस्ट में सोना शुरू कर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप होना शुरू हो जाए। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैम, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए एक वो रहता है कि जैसे मैंने सुना है कि सोने का एक रहता है ना कि वेस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने घर के नॉर्थ में बैठकर पढ़ना चाहिए। अगर आप जो है अब कोई भी अगर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़िए, और अगर आप जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए। तो ये बड़ी सारी डायरेक्शन होती है कि आपको क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना है, कौन सी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज आज संजीव जी ने, साक्षी जी ने बताई, और ये एक ऐसी रेमेडीज है मतलब आपको बहुत खर्चा करने की नीड नहीं है, इधर लाखों का हजारों का खर्चे की नीड नहीं है, आपको करनी है। जैसे हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डेली, वैसी डेली अपनी लाइफ में एक छोटा सा पार्ट, बस 5 मिनट लगना है एक वर्ड चैंट करने के लिए, उससे भी कम टाइम लगेगा, और छोटे छोटे उपाय हैं डेली रूटीन में उन्हें अपना ली। हाँ जी, हाँ जी, डेली रूटीन में करना है ना, आपके पैसे लगने ना कुछ, आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, तो आप इस टाइप से। बाकी आपको और चीजें जैसे इन्होंने बताया कि पत्रिका का भी मेन रोल होता है इसके अंदर, कि आपके के क्या नक्षत्र चल रहे हैं इस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ करने वाला था कि जो पैसों को लेकर काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे काफी सारे लोगों के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इन सर और मैम के पास पेमेंट करें या कुछ भी चीज है, कभी भी बात हो, आप इनसे वीडियो कॉल पर बात करके करें, ठीक है, मैंने इनसे बात कर ली है, आपके 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 साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा उसके बाद। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे आपको बात करनी है, अपना नाम बताना है और लिपसिंग देखनी है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने वीडियो चला दी गई है साक्षी जी की एंड संजीव जी की और आपको लग रहा है कि यही लोग बैठे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है ना मैम। आप ऐसे ही करिएगा, जैसे किसी का भी वीडियो कॉल आता है या कन्फर्मेशन के लिए, आप 1 मिनट उनसे बात कर लीजिए, जब उनको कन्फर्मेशन हो जाए उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो शिकार ना बनिए उसका, उससे बचिए और अपनी लाइफ में और अच्छा करिए। एट लास्ट कोई भी एक मोटिवेशनल मैसेज संजीव जी आपकी तरफ से, साक्षी जी आपकी तरफ से, अगर कुछ आज के यूथ के लिए जो आपको देख रहे हैं कुछ भाई, सबसे पहले और सबसे पहले माता पिता भगवान है, माता पिता ही भगवान है, और माता पिता ही भगवान है,
उनके कहने पे चल लीजिए, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और मैंने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए, वो कीजिए और तमन्ना कीजिए अपने दिल से पूरे एकाग्र होके। मैं कहता हूँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते मेरे ख्याल। कितना अच्छा आप लोगों को मैसेज मिल गया और इतना अच्छा मोटिवेशनल मैसेज और इतने सारी रेमेडीज बता दी कि आपको कहीं रुकावट आने ही नहीं वाली, बस आप मेहनत करते जाइए, अपने कर्म करते जाइए और जो रेमेडीज बताइए वो करते जाइए। और देखिए कि सर की तरह और मैम की तरह आप कैसे स्माइलिंग फेस के साथ इनको फीडबैक देने आएंगे, स्पेशली थैंक्स बोलने आएंगे कि हाँ ये चीज हुई है, क्योंकि एक वर्ड की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बट आज देखो यहाँ मैं बैठा हूँ, तो ये चीज है। सो मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा। राधे राधे। राधे राधे।